फ्रेंड बात करे तो बहुत खुशी से जवाब दें, बाप सिर्फ ये पूछ ले कि बेटा आज क्या किया, क्या हाल है, तो उस पर गुस्सा चढ़ने लगे। बाप ड्राइविंग के दौरान सीट पे बैठ जाए, वैसे कुछ क्वेश्चंस करने लग जाए या कुछ समझाने लग जाए तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाए और बाप को गुस्से से जवाब दिया जाए, लेकिन कोई दोस्त साथ बैठा है तो फिर चेहरा खिला हुआ है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत शुगर लग रहा है। सो वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स टुडे। और याद रखें कि ये बात बार बार मैं कहता हूं कि एक फॉर्मूला है लाइफ का, और ये मैंने खुद विटनेस किया है कि द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ इज टू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद योर मदर। जिस औलाद ने मां से बदतमीजी शुरू कर दी, देन ही और शी शुड काउंट हर डेज और हिज डेज, फिर वो बस डेज को काउंट करे कि कब तबाही आती है मेरे ऊपर। और ये लाइफ का एक फॉर्मूला है। एंड सेम गोज फॉर फादर एज वेल, कि जब फादर की बातों पे गुस्सा चढ़ने लगे और हम उनको टाइम भी ना दें, देखे ना कितना गैप है, कल्चरल गैप है, उनको स्मार्टफोन यूज नहीं करना आता, उनको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती, उनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता, तो हम दोस्त की विंडो इंस्टॉल करने तो रात को 2 बजे भी पहुंच जाए, लेकिन वालिद मोहतरम अगर वैसे ही कह दें कि बेटा जरा मुझे भी कुछ सिखा दो, तो हमें गुस्सा चढ़ने लगे और वो हमारे गुस्से को फील करें और सोचें कि उनका कितना दिल दुखता होगा कि ये क्यों मुझसे ऐसे बात करता है, मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, मैंने आखिर इससे क्या, इसका बिगाड़ क्या दिया है। सो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट दैट अ मैन